कावड़े का छोरा ये किसके लिए बोला है? है? कावड़े का छोरा प्रजापिता के लिए या प्रभु बाबा के लिए? दोनों ही कावड़े के छोरे थे। ब्रह्मा बाबा भी बचपन में हेडमास्टर के बच्चे थे, कावड़े में पले थे। प्रजापिता भी कावड़े में पलते हैं। बकरी का दूध पीने वाला बेहद की बात है, बेहद में भी तो बकरियां भेड़ बकरियां होती हैं। ज्ञान दूध भी होता है। गांधी के टैली किया जाता है ब्रह्मा को, गांधी किसका दूध पीते थे? बकरी का। बकरी का दूध पीते थे। तो बचपन की बात बताई। ज्ञान मार्ग में भी पुरुषार्थी जीवन में बचपन भी होता है और फिर सगीरपना भी होता है। बचपन के लिए बताया, बकरी का दूध पीते थे। बकरी मैं बहुत करती है। एक है द्वैत, इससे बनता है द्वापर। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मते, दो दो कुल, तो द्वैत कहा जाता है। द्वैत में आपस में मिलकर के रहेंगे या झगड़ा होगा? झगड़ा होता है। फिर द्वैत के मुकाबले है अद्वैत। जो दूसरे को नहीं मानते अद्वैत है देवता। जो पक्के देवताएं होते हैं वो तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। फिर अद्वैत से भी ऊंचे हैं विशिष्ट अद्वैत। क्या विशिष्ट माने? विशेष अद्वैत, क्योंकि जो देवताएं हैं वो तो जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक, वो निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। क्या नारायण को मानेंगे नहीं जो नर से नारायण बनता है? है? जो भी देवताएं सत्यु में होते हैं उनकी उपज किससे होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? जो नर से नारायण बनते हैं तो उसको भी मानते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत नहीं कह सकते। विशिष्ट अद्वैत वो है जो कोई भी दूसरे को नहीं मानता, कोई साकार को मानता ही नहीं। किसको मानता है? एक शिव बाबा। वो कौन है? है प्रजापति शंकर। शंकर है एक शिव के अलावा और किसी को मानता है? है नहीं। यह विशेष आप तो बाबा
in the Afyak Bani, it is said that temples have been opened from Nairobi. What's the meaning? Sajjas are opened in Nairobi. So what is the meaning? Hindi man. आप हिंदी बोलती है शंकर रंग खुला गया है अभी नैरोबी में नैरोबी में अभी सेंटर थोड़ी बहुत तो पुराने पहले से भी खुला हुआ है 73 से ही खुला हुआ है 73 4 से तो नया सेंटर थोड़ी है भी खुला है वो तो खुलते ही रहते हैं वहां तो सेंटरों की बाढ़ भी आई हुई है दक्षिण अफ्रीका में ये ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है और बाबा ने बोला कि बसहा भाई जो है मंदिर में बसहा भाई ब्रह्म निशानी है और तीनों की निशानी लिंग है लेकिन वो जलाधारी माता की निशानी है वो बाबा क्या है पार्वती की निशानी तो जलाधारी क्या वो जो चारों तरफ रहता है के चारों तरफ रहता है घोल बना हुआ जलाधारी उसे बोलते हैं जी जल को धारण करने वाली जल कौन सा है ज्ञान जल को पुरुष धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में या माता धारण करती है ज्ञान का जो मूल तंत्र है प्योरिटी वो प्योरिटी की धारणा पुरुषों में होती है लिंग में होती है या जलाधारी जल को धारण करने वाली योनि में होती है योनि कहते हैं स्त्री को और लिंग कहते हैं पुरुष को पुरुषों में धारणा नहीं होती है और स्त्रियों में धारणा शक्ति होती है वो ज्ञान ही क्या जो दूसरों को सुनने सुनाने के काम तो आवे भाषण करने के काम तो आवे लेकिन अपने जीवन में धारण न किया जाए इसलिए उसको कहा जाता है जलाधारी माने कन्याएं माताएं ही जल को धारण करने वाली हैं जो पुरुष का निशान है वो जल को धारण करने वाला नहीं है और बाबा जो मंदिर में जो फुल्की होती है लिंग है फुल्की जो लिंग होता है वो नीचे होता है देवता ऊपर होते हैं ऐसा क्यों देवता की मूर्ति ऊपर होती है फिर नीचे होते हैं शिवलिंग तो और ऊपर बनाए जाते हैं नहीं बाबा मंदिर में तो ज्यादा बाहर होते हैं है? मंदिर के बाहर आप सब दस्ते होंगे मंदिर के बाहर देवता होते हैं नहीं शिवलिंग मंदिर के बाहर शिवलिंग होता है और देवताएं अंदर होते हैं मंदिर के अंदर शिवलिंग नहीं होता है बहुत कम होता है अंदर भी शिवलिंग होता है चारों ओर देवताएं बैठे होते हैं देवताएं तो ऊपर होते हैं ना शिवलिंग तो देवता कुछ ऊपर होता है नहीं मंदिर बनाए जाते हैं ऊपर देवताओं है देवताओं के मंदिर ऊपर बनाए जाते हैं शिव के मंदिर सबसे ऊपर अमरनाथ कितने ऊपर है नहीं नहीं अमरनाथ से ज्यादा ऊंचा कोई मंदिर है नहीं और आध्यात्मिकम का मतलब है आदि माने अंदर आत्मिकम माने आत्मा के अंदर शरीर के अंदर तो आज के डॉक्टर बहुत जानते हैं क्या क्या है कैसे कैसे लेकिन आत्मा के अंदर कैसे 84 जन्म भरे हुए हैं वो कोई नहीं जानता सिवाय बाप के तो कहते आध्यात्मिकम आदि आत्मिकम और क्या बताया है आदि भौतिकम भौतिक तो कहते ही है पांच तत्वों की दुनिया को आज भौतिकम कहा जाता है और अनादि अनादि तो वास्तव में परमधाम ही है आत्मा जन्म मरण के चक्र में जब इस धरती पर आती है
उससे पहले जो पार्ट है उनका वो अनादि है, उसे कहते हैं अनादि भौतिकम। और चंदन की ये विशेषता होती है कि नाग उसमें लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके ऊपर नागों के विष का कोई असर नहीं होता। वो चंदन की लकड़ी या पत्ते विषैले नहीं बनते। तो ऐसे ही नाग रत्न, कैसा रत्न? नाग शब्द लगा हुआ है साथ, भले नाग साथ में हो फिर भी अपनी श्रेष्ठता को न त्यागे। जो बाबा ने बोला है 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। जो बाबा ऐसी ही दुनिया में आते हैं, सारी दुनिया विषय सागर है और विषय सागर में भी जो बड़े से बड़ा नाग है जिसका नाम दिया है वासुकी नाग, ऐसा नाग वासुकी, वसु कहते हैं धन संपत्ति को देने वाला, और वसु का पुत्र वासुकी, जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी, वसु कौन हुआ? धन देने वाला, अरे भूल गए, अरे वसु देता है कि लेता है? भगवान देता, शिव बाबा है वसु, और शिव बाबा का ज्ञान जो सबसे जास्ती लेता है वो है नारायण। वो संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो बड़े से बड़ा देवता है, और जब अपूर्ण है तो बड़े से बड़ा नाग है। जो बहुत विषैले होते हैं उनको याद करके निर्विष बनाता है, बड़े से बड़े पापियों को बड़े से बड़ा पुण्यात्मा बनाता है। भी भावना की बात है, हर आत्मा की अलग अलग टाइम पर अलग अलग भावनाएं होती है ना, और ये है शूटिंग का टाइम, ये टाइम जो है 5-4 वर्ष के ड्रामा की रिहर्सल चल रही है ना। तो जो भी आत्माएं हैं उनके संबंध शिव के साथ, ज्योतिबिंदु के साथ है, या ज्योतिबिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ जन्म जन्मांतर संबंध रहे, किसके साथ रहे? जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ आत्माओं के जन्म जन्मांतर के अनेक प्रकार के संबंध रहे हैं। तो वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भावना के आधार पर, संकल्प के आधार पर, जो कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो हर आत्मा इस समय अपनी भावना के आधार पर, संकल्पों के आधार पर अपनी अपनी सृष्टि रच रही है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प भी हो सकते हैं और भ्रष्ट से भ्रष्ट संकल्प भी हो सकते हैं। श्रीमत के अनुकूल संकल्प और भावना करते हैं तो श्रेष्ठ सृष्टि बनती है आत्मा की, और भ्रष्ट संकल्प करते हैं सृष्टि भ्रष्ट बन जाती है।
कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे रहा है, अच्छे से अच्छी तकदीर हम बना सकते हैं। परम पिता जिसको कहते हैं वो परम पिता तो शिव है, वो तो 84 जन्म लेता ही नहीं, उसके साथ रहने न रहने की तो बात ही नहीं। प्रवृत्ति में ज्यादा परमात्मा के लिए परम पिता जिस आत्मा में प्रवेश करता है, जो हीरो पार्टधारी है, आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला है, वो परम आत्मा वो जन्म जन्मांतर का प्रवृत्ति मार्ग को धारण करने वाला है। और वो प्रवृत्ति मार्ग द्वैतवादी भी है और अद्वैतवादी भी है। जब अद्वैत है तो लक्ष्मी ही साथ में है और कुछ दूसरा साथ में नहीं, और जब द्वैत बनता है द्वापर युग से तो जगदम्बा जो सर्व धर्मों की अम्बा है वो उस जगत पिता की जगत माता साक्षिणी बनती। और लंबी टाइम कौन सा मारे प्रवृत्ति मार्ग सबसे बड़ा तेज समाना मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है ना, जो प्रवृत्ति मार्ग पवित्र है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा या अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा? दूसरे धर्मों में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अभी अभी शादी की, अभी अभी डाइवोर्स हो गया, तो उसे टिकने वाला कहे या डिगने वाला कहे? ठीक है, तो लंबी आयु वहां की होगी प्रवृत्ति मार्ग माने लक्ष्मी की है 2500 साल लगातार प्रवृत्ति मार्ग की लंबी आयु, और जगदम्बा की तो सारे जगत की माँ है, हर धर्म की माता है, उसको तो सबके साथ निभाना है। उसको आकारी दुनिया निराकार भी साथ में नहीं लेगा, नहीं जाएगा। निराकारी दुनिया है परम धम और आकारी दुनिया है संकल्पों की दुनिया, मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाली आत्मा की स्टेज, और हमको तो 2500 साल नहीं 5000 साल इस शक्ति पर साकार में जीवन बिताना होता है। उसमें भी आकारी स्टेज वो आत्मा धारण करती है जो भूत प्रेत बनती है, ज्यादा पाप करती है। कहते हैं तेज को, तेज है याद का तेज जिसने पिया सबसे जाती, उसका नाम रख दिया काश्य पा। काश्य माने तेज, अप्पा माने पीने वाला, और उनसे शक्ति की शुरुआत दिखाई गई। काश्यप चेजी के
जो पत्नियां थी उनसे ऐसी ऐसी पैदाइश हुई, इसी से दैत्य पैदा हुए। दिति कहा जाता है खंड को, खंडित पत्नी, कुमारी नहीं, क्या हो गई माता, अदर कुमारी। और अदिति का आ जाता है अखंड, नदिति, जो अखंड कुमारी रही उसके द्वैत अद्वैत पैदा हुए, माने देवता पैदा हुए। तो ऋषियों के नाम शास्त्रों में सिर्फ नौ नहीं है, नौ तो मुख्य मुख्य नाम गिनाए गए, लेकिन ढेर के ढेर ऋषियों के नाम रख दिए। ऐसे वशिष्ठ ऋषि को ऋषियों में सबसे ज्यादा मान्यता दी गई, और सबसे ज्यादा अगस्त्य में भी ज्यादा महिमा गायन गया है शास्त्र में, उनका ज्यादा महिमा दिखा गया। वो भी एक नाम रख दिया, कभी भी नहीं दिखाया नाट्य अगस्त जो नाम रखा है वो भी नाम उस मुनि का रखा है जिन्होंने सागर को पी लिया, ज्ञान सागर को संपूर्ण हप करने वाला कौन है, प्रजापिता। तो वो अगस्त ऋषि भी हो गया। फिर कहते हैं सागर को पीने के बाद उन्होंने उसको यूरिन के द्वारा निकाल दिया तो सागर खारा हो गया। ऐसी ऐसी शास्त्रों में बातें बनाई हुई। नौ ऋषियों का संगठन बाद में होगा, पहले तो नौ ग्रह आपस में टकराएंगे, क्रांति करेंगे, पहले शांति करेंगे, पहले क्रांति फिर शांति होगी। टकरा टकरा के पहले ये तो निश्चित हो जाए कि एक इनमें से पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान कौन है, तब एक का राज्य शुरू हो। अभी तो सभी कहते हैं हम बड़े हम बड़े हम बड़े, कोई धर्म वाले अपने को नीचा साबित करने के लिए तैयार हैं? सब धर्म वाले मानते हैं हम बड़े, हम भगवान के ज्यादा नजदीक हैं। होती है चारों युगों की, सतु प्रधानता सतु सामान्यता की भी शूटिंग होती है। ब्रह्मा बाबा जब मौजूद थे तो तमो प्रधानता रजो प्रधानता की शूटिंग थी, या सतो प्रधान सतो सामान्यता की शूटिंग थी ब्राह्मण परिवार में? सतो प्रधानता और सतो सामान्यता की शूटिंग। और जब उन्होंने चली छोड़ दिया तो उन्होंने देहधारियों पर आगे आ गया तो रजो प्रधान होता हूँ शूटिंग। अभी एडवांस में साकार में होते हुए भी पार्ट गुप्त चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त पार्ट चल रहा है, इसलिए कभी दिखाई पड़ता है, कभी बच्चे निश्चय बुद्धि और कभी अनिश्चय बुद्धि। जब अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो अपने लिए तमो प्रधानता रजो प्रधानता की शूटिंग करते हैं, और जब निश्चय बुद्धि होते हैं तो सतो प्रधानता सतो सामान्यता की शूटिंग करते हैं। ब्रह्मा के टाइम पर जो पार्ट था वो प्रत्यक्ष था या गुप्त था? क्यों प्रत्यक्ष था? इसलिए प्रत्यक्ष था कि ब्रह्मा बाबा स्वीकार कर रहे थे कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं,
और मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश करे, और एडवांस में जिसमें पार्ट चलता है वो स्वीकार नहीं करता है, करता है नहीं करता। मुरलियों में ढेर सारे वाक्य ऐसे आए हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा अपने को कृष्ण मानते थे, वो ये भी मानते थे कि शिव बाबा मेरे में प्रवेश है। एडवांस में ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चे कभी संशय में आते हैं, कभी निश्चय में आते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते सब निश्चय बुद्धि ही थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग आलापने लगे, अनिश्चय बुद्धि बिना चलती हो गई। जो मैं हूं वो तू है, प्रजापिता रचयिता है और ब्रह्मा रचना है। तो पिता पुत्र से कहेगा जो मैं हूं तो तू है, बाप दादा ने बोला है विदेशियों को, क्या बोला है, जहाँ जहाँ मिनी मधुवन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। ये बनाना करना ये बाप दादा के हाथ में है या बच्चों के हाथ में, फिर देव आत्मा प्रवेश करती है, बोलती तो है कि मैं दुर्गा हूँ, काली हूँ, मैं ये हूँ, उनके बोलने से सच मान लेंगे। बाबा की वो कौन सी आत्मा होती है जो बोलती है, तो ये न कहो कि देव आत्मा प्रवेश करती है, कौन सी आत्मा होती है, जो भूत प्रेत आत्मा है। लेकिन बाबा कुछ कुछ ऐसी बातें बताती है जो, तो कुछ कुछ ऐसी बातें बताते हैं उससे क्या स्वर्ग बन जाता है, नहीं सच्चाई होती है ना, सच्चाई हो जाती है, सत्संग स्थापन हो जाता है। कोई मनुष्य आत्मा पूछती है, कोई अपने बारे में पूछती है, हाँ। मतलब मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा होना है, होगा हाँ। या नहीं, हाँ। तो माने उनके अपने कर्मों से नहीं होता, उनके बता देने से होता है। तो कहो कौन सी आत्मा होती है, जो बताओ, आप पहले ये बताओ कि जो व्यक्ति अपने कर्म करेगा उन कर्मों के आधार पर प्राप्ति करेगा या महात्मा जी के या देवी देवता के कह देने से प्राप्ति करेगा। हाँ भक्ति मार्ग में तो मानते हैं ना, भक्ति मार्ग में तो जाने क्या क्या मानते हैं, वो तो अंधश्रद्धालु है। वो कौन सी आत्मा होती है, वो सब भूत प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत आत्मा जो होती है उनको अपना शरीर नहीं होता है, शरीर न होने की वजह से वो जो आत्माओं को बुलाने वाले हैं, आवाहन करने वाले हैं, औलिया जिन्हें कहते हैं तांत्रिक, वो किसी बच्चे को सुला देंगे। अब मजमा खड़ा हुआ है, दूर बैठ खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी जेब में कुछ पैसे रखे हैं, वो उससे पूछेगा इसकी जेब में कौन कौन से नोट हैं, तो वो बताएगा इसकी जेब में 10 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का है, 1000 का है। अब वो उसकी जेब में घुसा तो बैठा नहीं, तो ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती हैं, इनको अपना स्थूल शरीर का बंधन नहीं होता है, इनको सूक्ष्म शरीर होता है, और वो सूक्ष्म शरीर एक सेकंड में कहीं से कहीं भी जा सकता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ उन्हें थोड़ा ज्ञान होता है, ऐसे नहीं कि 84 के चक्कर का उनको ज्ञान हो जाएगा, नहीं, अल्पकालीन ज्ञान हो सकता है। हम देह के बंधन में बंधे हुए हैं इसलिए हमको वो भी नहीं होता। और बाबा खेत आत्मा की आयु लंबी हो जाती है? उनकी जितनी आयु बची होगी उतनी आयु में वो रहेंगे, भूत प्रेती योनि में आयु खत्म हो जाएगी, योनि खत्म हो जाएगी। बिना सजा के। और बाबा ब्रह्मा बाबा तो अष्ट रतन में आते नहीं है, तो क्या ब्रह्मा बाबा को भी सजा खानी पड़ेगी? लेकिन ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा अभी सजा नहीं खा रहे, 50 साल जो उनकी उम्र कब, वो अभी भटक रहे हैं, ये सजा नहीं खा रहे सूक्ष्म शरीर में, यही उनकी 50 साल की जो ये है यही सजा उनकी है। ये सजा 50 साल कम हो गई, ये पद कम नहीं हो गया? जो सजा खाते हैं उनका पद कम होता है या नहीं? पद कम हो जाता, तो 50 साल उनको कोई पद नहीं मिला, भटकते रहे, ये पद कम हो गया ना। संगम युग में भी पद नहीं मिलेगा, के पहले जन्म में जाकर के वो बनेंगे जो कुछ, सत्य को फट न रहे, तो पद तो नीचा हो गया ना। और बाबा एक और बात है, वो जो बोलते हैं लोग कि दुर्गा का जो प्रतिमा बनती है, दुर्गा की प्रतिमा जो बनती है, दुर्गा 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 हाँ, उसमें कोठे की मिट्टी क्यों डाली जाती है? की मिट्टी कोठे कोठे की मिट्टी क्यों डाली जाती है? कोठे की मिट्टी कोठे की वैश्याल की मिट्टी बोलते वैश्याल की मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी शरीर को कहते हैं। मिट्टी किसको कहा जाता है? मिट्टी शरीर को कहते हैं ना, देह भांड की मिट्टी है ना। तो लक्ष्मी के पार्ट में और दुर्गा जो महाकाली बनती है उसके पार्ट में क्या अंतर है? माँ काली सबका सत्यानाश कर देती है, सबको मार गिराती है, खत्म कर देती है, और लक्ष्मी सबको धन दान करती है, ज्ञान दान करती है। दुर्गा सबकी सब मनोकामनाओं को पूरा करती है, अच्छी मनोकामनाओं की भी और बुरी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करती है, क्योंकि वो जगत अम्बा का पार्ट है। अम्मा माँ जो होती है, बच्चा बहुत दुखी होता है तो पूर्ति करती है, लेकिन जो लक्ष्मी है वो सब मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी का पवित्र पार्ट है और महाकाली का पार्ट अपवित्रता का है। अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना, इसलिए जहाँ पवित्रता है दैहिक तो वो मिट्टी दिखाई गई है। कहाँ की मिट्टी? शिवालय की मिट्टी नहीं, शिवालय की मिट्टी से जगदम्बा बनेगी क्या? सारे जगत अर्थात सर्वधर्मों की अम्बा बनेगी, शिवालय से सत्यपुत्रता में ही होता है। हाँ सब धर्म होते हैं क्या? तो सब धर्मों की मिट्टी भी नहीं होती, इसलिए भक्ति मार्ग में मान्यता चली आ रही है। कहाँ की मान्यता है? संगम युग, संगम युग में महाकाली ने पार्ट ऐसा बजाया जो इंप्योरिटी से सारे पाप की दुनिया को नष्ट किया, असुर संगायन बन गई। जगत पिता बाबा है, जगत पिता जैसे जगत अम्बा सभी मनोकामना पूरी करती है अच्छे और बुरे की, तो जगत कामधेनु गौ कहा जाता है, कामधेनु गौ बैल दौड़े कहा जाता है, वो अपनी मनोकामना पहले पूरी कर लेना।
नहीं, जगत पिता भी जगत का पिता है। जगत का पिता है लेकिन उसमें प्रवेश कौन है और जगदम्बा में प्रवेश कौन है? वो प्रवेश होने वाली मनुष्य आत्मा देव आत्मा और उसमें प्रवेश होने वाली शिव की आत्मा, अंतर पड़ेगा ना। अंदर यहाँ कह रहा मत यहाँ भाई यहाँ कह रहा हूँ सदा पंद्रह सोलह सही मूल कीर्तन की ज़्यादा महिमा है या मूर्ति की ज़्यादा महिमा होगा? राम नाम की ज़्यादा महिमा है भक्ति मार्ग में, नाम की महिमा ज़्यादा है या मूर्ति की महिमा ज़्यादा है? नाम, नाम की महिमा ज़्यादा है। नाम पड़ता ही है काम के आधार पर, जैसा जैसा काम किया वैसा वैसा नाम पड़ा। बाबा ने बोला है कि जो हक पिता बाप को हुआ है वो हक सारे बच्चे को भी होगा। गई तो बाबा डर लग रहा है क्या? डर नहीं लग रहा है बाबा को, तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा तो बच्चों को भी जाना पड़ेगा। बाबा को तो सलाखों के पीछे भी कुछ समय गुजारना पड़ा तो बच्चों को भी गुजारना पड़ेगा। ये क्या बड़ी बात हो गई? नौ महीने पेट में रहे तो सलाखों से भी ज्यादा खराब हो गया। माँ तो सांस भी नहीं मिलती ठीक से। अब कितनी बार गए? एक बार गए कि 63 बार गए? नहीं बाबा संगम से संगम पर भी जो भगवान की याद में है, याद में मस्त है, दो रोटी चाहे जेल में खाए और चाहे बाहर की दुनिया में खाए, बाहर की दुनिया भी तो जेल है। बाहर की दुनिया में कौन सा खुला हुआ है? निर्बंधन कौन है? कोई है निर्बंधन? देह का बंधन तो सबको लगा हुआ है, इसमें डरना क्या है? संगम में क्या कौन सा द्वापर युग में कुमार जो है वो यमन का भी ज्यादा आराध किया है, धर्मराज जो यमन जो रहे उनके साथ में युद्ध किया, ज्यादा रन करने आया, जीवन मुक्ति पाया उन्होंने। यमराज है कौन? उन्हें वह दुर्गम जो है यमराज कौन है? कौन है धर्मराज? धर्म का राजा पिता धर्मराज है। हाँ तन में पार्ट बजाता है वो ब्रह्मा की सोली, धर्मराज है, धर्म का राजा है। उसने जितने धारणा की है व्यक्तिगत जीवन में उतनी प्रजापिता धारणा नहीं करता, वो आत्मा अलग, प्रजापिता की आत्मा अलग, लेकिन तन दोनों का एक ही। अग्नि का हृदय में रहता है बोला, उन्होंने कहा था स्वर्ग का जो वास्तव में स्वर्ग में जाना अग्नि का हृदय में रहता है ऐसा बोला था। हाँ बोलो, अग्नि भी हृदय में रहती है, गुप्त रहती है, और जो कामना है वो भी गुप्त रहती है। ये कामदेव यहाँ साकार रूप धारण करता है, साकार कर्मेंद्रिय का रूप धारण करता है और वहाँ कामदेव आकारी हो जाता है, अनंग हो जाता है, उसे भी कामाग्नि कहा जाता है और उसे भी अग्नि कहा जाता है। सत्य को त्रेता में न कामाग्नि होती है और न वो अग्नि होती है, दोनों ही मर्ज रहते हैं, वहाँ इमर्ज नहीं होते। श्रेष्ठाचारी कौन बाबा? आठवीं श्रेष्ठाचारी
जब देव है तो शिष्टाचारी होंगे या भ्रष्टाचारी होंगे? सूर्यवंशियों की कम कलाएं होती हैं, तो आठ ही सूर्यवंशी है, और जो सूर्यवंशी है वो 84 जन्म लेते हैं, जो 84 जन्म लेते हैं वो ही देवता होते हैं पक्के। कम जन्म लेने वाले तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पक्के देवता है ही नहीं। अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जब 800 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। माने जो भी पुरुषार्थी है, चाहे जितना भी तीखा पुरुषार्थ करे तो भी धर्मराज के झंडे खाएंगे, जब माना टू लेट हो गए। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसका मतलब 800 नहीं प्रत्यक्ष हुए हैं, कोई कोई प्रत्यक्ष हो रहे हैं। बाबा जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैंड्स है वो बाहर निकल जाते हैं, क्या कारण है? कोई सोल लाकर प्रवेश करके उसको बाहर निकल, अच्छी धारणा करता है, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो बाहर निकल जाते हैं, क्या कारण है? आज दुनिया में, खास करके भारतवर्ष में देखो, जो बुद्धिमान लोग हैं, टैलेंटेड हैं, वो भारत में रह के सेवा कर रहे हैं या विदेशों में चले जाते हैं? वो सब विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों से वापस आ रहे हैं। है वो तो टाइम होगा तब आएंगे, ठीक है, वो तो जब आपस में झगड़ा होता है, झगड़ा प्रत्यक्ष होता है, तब विदेश की धक्का मारते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मणों में जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड हैं, धारणावान हैं, और विदेशों में जाकर के वो सेवा कर रहे हैं, के कानों में एडवांस किया नहीं पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। जब उनके कानों में भी एडवांस किया पहुंचेगा तो वो भारत से भागेंगे नहीं क्या? ऐसे ही वो सच्चाई है दुनिया की। बाबा एक कन्या पूछना चाहती है कि ब्रह्मा बाबा अष्ट रत्न में आएंगे क्या? जिससे मुझे ब्रह्मा बाबा चंद्रवंशी है, चंद्रमा है या सूर्यवंशी है? सूर्य है, क्या है? चंद्र है। तो चंद्रमा में ज्यादा रोशनी होती है या सूर्य में ज्यादा रोशनी होती है? सूर्य में ज्यादा रोशनी होती है। तो ज्यादा ज्ञानवान होगा वो बड़ा देवता बनेगा, या कम ज्ञानवान होगा तो बड़ा देवता बनेगा? ज्यादा ज्यादा, लेकिन फिर भी धारणा उनमें ज्यादा थी, इसलिए जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है, त्रिनेत्री माना जाता है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो चंद्रमा को अपने सर पर धारण करता है। क्या बल हस्तदेव में चंद्रमा नहीं है, 8 देवताओं की जो माला है वो सर के ऊपर है, लेकिन फिर भी चंद्रमा भी कोई कम नहीं है, वो भी भाल पर, चंद्रभाल के मस्तक पर जड़ा हुआ है।
का मुकुट है, ताज है, उनकी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? जब तक इस बच्चे की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है तब तक उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। तो बच्चे बाप का ताज होते हैं, जो सप्ताह में अपनी क्लास में आता है, दूसरे घर में कन्वर्ट होने वाली आत्मा जो सप्ताह में एक ही क्लास में आता है मुर्मी सुनने और दूसरे घर में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होती। क्लास में आते एक बार आते ना, हफ्ते में एक बार आने वाले वो दूसरे धर्म में मुसलमान और क्रिश्चियन ही तो सात सात दिन के बाद है रेगुलर में गिरजाघर में और ईदगाह में जाते हैं। नहीं रोज घर में कर लेते हैं है? रोज घर में क्लास कर लेते हैं लेकिन संगठन में एक बार आते हैं। माने संगठन को महत्व तो नहीं देते ना? नहीं दूर रहता है ना उसको। आप दूर रहता है? ज्यादा दूर रहते हाँ। उसी कारण तो मुसलमान दूर अरब देश में नहीं रहते तो वो तो भी आपका मुसलमान दूर अरब देश में रहते हैं, ये अपने पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है या दूसरे का हिसाब किताब है? अरे हम भी नहीं मतलब उनके नजदीक रहते हैं तो हमारा हिसाब किताब अपना है और जो मिनी मधुबन से दूर रहता है उसका हिसाब किताब अपना है। बनाया किसने हिसाब किताब? तो हमने खुद ही बनाया ना। हम बंधन में रहते हैं, दूसरा छूटा हुआ है, निर्बंधन है, हिसाब किताब किसने बनाया? नहीं इसी कारण वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं माता जी का। इस कारण माने? नहीं जो हफ्ते में एक बार या दो बार संगत मिनी मदन को आते हैं बाकी का दिन नहीं आते हैं तो। अरे मिनी मदन में हफ्ते में एक बार दो बार आते हैं तो माउंट आबू में जल्दी पहुंच जाएंगे हमेशा ही आखिरी माउंट आबू में जो जल्दी पहुंचेंगे नजदीक पहुंचेंगे परमधाम में जो सबसे पहले पहुंचेंगे उनका पद ऊंचा बनेगा या नीचे बनेगा? उन्हीं का ऊंचा बनेगा। जब भगवान मिल गया तो हम दूर क्यों रहे? नहीं हा? मन से दिल से अंदर साथ में रहते हैं हा? बाबा बोलते हैं ना अभी तेज से अनुभव करो बोलते हैं साथ में है बोलते। माने माउंट आबू जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जाने गीता पाठशाला युगल है तो बना दो जयराम भाई है युगल बीके में है एडवांस में थोड़ा दिन गायब हो गया तो जरा बीच में कनेक्शन है दोबारा भट्टी करके जाओ। हाँ दोबारा भट्टी होने के बाद गीता पाठशाला बोल दो। आ? नहीं नहीं दोबारा करना है गैप 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 हो गया ना लंबा तो ज्ञान में तो नई नई बातें ऐड होती रहती है। नई नई बातें ऐड हो गई है वो दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा।